देखिए, ये बिल कल इंट्रोड्यूस हो रहा है लोकसभा में, और जो अध्यादेश था लगभग वही भाषा बिल में लिखी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी वहाँ टीम इंडिया के दल हैं वो सब लोग इसका विरोध करेंगे, और ये काला अध्यादेश है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ 8 दिन में लाया गया ये बिल है, और मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के लिए और भारत के संघीय ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है ये अध्यादेश, ये बिल, कि हम कुछ नहीं मानेंगे, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। न सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, न संविधान मानेंगे, न लोकतंत्र मानेंगे, न संघीय ढांचा मानेंगे। इसके अलावा ऑपोजिशन इंडिया का 2 दिन का दौरा पूरा हुआ मणिपुर को लेकर, और कल उन्होंने 9:30 बजे इसको लेके खड़गे साहब के ऑफिस में मीटिंग है, जिसमें जो भी लोग हमारे संसदीय दल के लोग गए थे वो सारे लोग रहेंगे, और पार्टी के फ्लोर लीडर्स रहेंगे, उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे कि वहां की क्या रिपोर्ट है, क्या जानकारी है, उसके हिसाब से सरकार से मांग करेंगे।